Good morning all. Today we will discuss about the topic NCTE presented by Neema Nawala, guided by Mr. Neeraj Kandpal sir from Inspiration College of Teacher Education. NCTE, National Counseling for Teacher Education. NCTE Introduction. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना 1973 में भारत सरकार द्वारा केंद्र और राज्य में सरकार के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी, जो शिक्षक शिक्षा से संबंधित मामलों पर थी। हालांकि 1986 में सरकार ने शिक्षा पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार की, जिसने देश में अच्छे शिक्षण पेशेवरों का उत्पादन करने के लिए पहले कदम के रूप में देश में शिक्षक की शिक्षा की देखभाल करने के लिए एक प्रतिमा निकाय स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। 17 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा अधिनियम 1993 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE को वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया। नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन NCTE पूर्व स्कूल शिक्षक शिक्षा से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा तक शिक्षक की शिक्षा के लिए मानदंड और मानक स्थापित करता है। इसके अलावा परिषद शिक्षकों को शिक्षित करने के लिए अभिनव तरीकों की योजना, समन्वय और क्रियान्वयन भी करती है। भारत सरकार का उद्देश्य पूरे देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली के नियोजित और समन्वित विकास को प्राप्त करना है। NCTE परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है और बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर और जयपुर में 4 क्षेत्रीय समितियां हैं, जो अपनी जिम्मेदारियों को देखती है। NCTE की अध्यक्षता एक अध्यक्ष करता है। NCTE की क्षेत्रीय समिति का प्रबंधन समिति के क्षेत्रीय निदेशक द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है NCTE के उद्देश्य। NCTE का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली के नियोजित और समन्वित विकास को प्राप्त करना है। शिक्षक शिक्षा प्रणाली में मानदंड और मानकों का विनिमय और उचित रखरखाव और इसके साथ जुड़े मामलों के लिए है। NCTE को दिया गया जनादेश बहुत व्यापक है और स्कूलों में पूर्व प्राथमिक माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक चरणों और गैर औपचारिक शिक्षा में पढ़ाने के लिए उन्हें समान करने के लिए लोगों को अनुसंधान और प्रशिक्षण सहित शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के पूरे सरगम को कवर करता है। अंशकालिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा और दूरी शिक्षा पाठ्यक्रम। NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यक्रम। निम्नलिखित शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए NCTE ने 28 नवंबर 2014 को संशोधित विनिमय और मानदंड और मानक सूचित किए। बचपन शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा करने के लिए पूर्व स्कूली शिक्षा में डिप्लोमा, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम जो प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा के लिए अग्रणी हैं, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के लिए बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री, बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री के लिए अग्रणी, मास्टर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम मास्टर ऑफ एजुकेशन की डिग्री के लिए अग्रणी, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम डिप्लोमा टू फिजिकल एजुकेशन बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की डिग्री के लिए अग्रणी, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम की मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की डिग्री के लिए अग्रणी, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम की मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की डिग्री के लिए अग्रणी, प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा के माध्यम से ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम के माध्यम से बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन कार्यक्रम डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन प्रोग्राम इन डिप्लोमा टू आर्ट्स एजुकेशन 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम 3 वर्षीय बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री के लिए अग्रणी, 3 वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम BEd MEd की डिग्री के लिए अग्रणी है। अब NCTE के कार्य।
विभिन्न शिक्षा शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए मानदंड और मानकों के नवीनीकरण का समन्वय करता है और मानदंड और मानकों पर स्थायी समितियों को व्यावसायिक सहायता प्रदान करता है। शिक्षक शिक्षा पर वैकल्पिक मॉडल और नीतियों के मूल्यांकन के लिए परामर्श सेमिनार सम्मेलन आदि का समन्वय करना। शिक्षकों के लिए पेशेवर नैतिकता और प्रदर्शन मानकों का कोड विकसित करता है और शिक्षक मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश विकसित करता है। शोध आधारित निर्णयों पर पहुंचने के लिए विभिन्न समितियों की सहायता के लिए शिक्षक और शिक्षक शिक्षा से संबंधित मामलों पर सर्वेक्षणों का संचालन और अनुसंधान करना। विभिन्न शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की समीक्षा पाठ्यक्रम परिषद के प्रकाशन कार्य में सहायता करता है। राज्य सरकारों UGC विश्वविद्यालयों और अन्य संबद्ध निकायों के साथ समन्वय शिक्षक शिक्षा से संबंधित मामलों पर सर्वेक्षण और अनुसंधान आयोजित करता है। शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में NCTE का योगदान, यह पूरे देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली का समन्वय और निगरानी करता है। यह स्कूलों और मान्यता प्राप्त संस्थानों में एक शिक्षक होने के लिए न्यूनतम योग्यता के लिए दिशा निर्देश की आवश्यकता को पूरी करता है। यह मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा अनुपालन के लिए भौतिकी और अवसंरचनात्मक सुविधाओं स्टाफिंग पैटर्न आदि के प्रावधान के लिए दिशा निर्देश देता है। यह परीक्षाओं के संबंध में मानकों को कम करता है। ऐसे प्रवेश के लिए प्रमुख मानदंड और साथ ही पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के लिए योजनाएं। यह स्कूलों और मान्यता प्राप्त संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देता है और संचालित करता है और फिर उसके परिणामों का प्रसार करता है। यह सुधार के लिए अपने स्वयं के निर्धारित दिशा निर्देशों मानदंडों और मानकों की जांच करता है। यह मान्यता प्राप्त संस्थानों की पहचान करता है और शिक्षक शिक्षा प्रणाली के विकास कार्यक्रमों के लिए नए संस्थान स्थापित करता है। यह शिक्षक शिक्षा के व्यवसायीकरण की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाता है। NCTE के निष्कर्ष। NCTE शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करता है। थैंक यू।